Hi guys, welcome to Manali's Nutshell. Right now it is 12:30 PM and आज है 21st of August and what we are doing is we are assembling this shoe rack, which is not a shoe rack. It's going to be our clothes का wardrobe, a sister wardrobe. And Sanu Didi is assembling the shoe rack. How does it feel, sir? You can see. So और हम ना बनाते बनाते सोच रहे थे. बना लिया है. ऊपर वाला हमने ऐसे ही लगाया बिकॉज एक्स्ट्रा थे, इन केस कभी लगे इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं. ये इट इज सपोज टू बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओनली 6 रैक्स, 6 रैक ही होने चाहिए बट हमने एक्स्ट्रा थे तो बना लिया है. इसको ऐसे असेंबल कर दिया है. ऊपर जो भी रैक था वी जस्ट रिमूव्ड इट बिकॉज इट डजंट लुक गुड. कपड़े रखने भी हैं तो इस पे ही रख देंगे बिकॉज दैट डजंट मेक सेंस. उसको और एक प्लेट रखना डजंट मेक एनी सेंस, तो हमने निकाल दिया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत सारी मशक्कत मेहनत के बाद वी फाइनली डिड इट. एंड सलोनी दीदी, व्हाट इज योर ओपिनियन? वी आर वेरी स्मार्ट, राइट? या वी आर. दिस प्रूव्ड, दिस जस्ट प्रूव्ड. All right guys, so right now it is 1:45 PM and Saluri Didi just went to her hospital. She's a doctor and I have my college at 3:30 and right now it is 1:45, so I'll just leave by 2:15 or 2:30 and yeah, so let's just get ready for college. I'm wearing this jeans, not skin fit, little baggy kind of a jeans and white kurti. This kurti is my favorite because this is given by Sayani and I love her because this looks so pretty. इवन दो ये कुर्ती मैंने जब भी पहनी है तब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है. आज ये मैंने पहनी तो सुबह में गिर गई इन द सेंस थोड़ा स्लिप हो गई एंड इट वॉज वेरी ऑकवर्ड. लगा नहीं है बट पीपल वर स्टेयरिंग एट मी सो आई फेल्ट वियर्ड एम्बैरेस्ड, दैट्स वाई. बट और पहले भी एक बार मैंने ये पहनी थी तब मैं गिर गई थी. सो आई थिंक दैट्स वाई आई जस्ट डोंट नो इफ इट्स अबाउट द कुर्ती और आई एम जस्ट लिटिल दिस एक्साइटेड एंड नॉट वेरी फोकस्ड. तो या एंड नाउ आई विल जस्ट गेट रेडी. मैं थोड़ा इयररिंग्स, थोड़ा क्या होता है, मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ. आई एम वेयरिंग दीज झुमकास गाइस. वाओ, मैंने ना बाल कलर किए हैं एंड आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है हमारे कॉलेज में हेयर कलर इज नॉट अलाउड. वाई डू दे नॉट गिव दैट इंडिपेंडेंस टू अस टू कलर अवर हेयर, आवर हेयर, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एनी वेज, सो या दैट्स माई कलर. सो आई वेयर माई वॉच. So I have this pouch with me everywhere. इसमें मेरा सारा मेकअप का जो necessary है वो सारा रखा हुआ है. This is the shade. All right guys, I'm all set to go. अभी 2 बजे है, 15-20 मिनट में थोड़ा time pass करूँगी and then I will go and I'm going by a train. So yeah, let's go. Guys, guess what? I told you this kurti has something to do with my luck. Alright, so I was almost there. I had almost reached and then I got a message saying that today's lectures are cancelled due to some reason. And now, without even getting off from the train, I am going back to my house. I mean, what is it even about? I mean, I don't know how to feel about it. मैं भी just बैठी, मैं पहुँच गई, मैं उतरने से पहले message आ गया, so I'm going back. This is funny and this is all about this kurti. This is not lucky for me. So today's day is also successfully wasted. It's not wasted. I got a ride of train. Good evening guys. So अभी बजे है शाम के 6:30. As I said, मैं गई थी, बाद में वापस आ गई बिकॉज लेक्चर्स कैंसिल हो गए एंड आई एम नॉट वेल राइट नाउ. पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है. हेडेक में कोई मैगी नहीं खाता है बट आई एम हैविंग अ बोल ऑफ मैगी. सो आई एम हैविंग माई मैगी. अभी सयानी आ रही है यहाँ पे, सो आई एम वेटिंग फॉर हर. वो आएगी बाद में, आई फील लिटिल बेटर, विल बी टुगेदर, शिल बी स्टेइंग हियर ओवरनाइट. देखिए सयानी ने आते ही पहले ये शू रैक रॉन्ग असेंबल कर्यु छे. ना, करेक्ट छे, रॉन्ग छे, करेक्ट छे. आओ ना तू खुलवानू, देन आओ खुलवानू.
No. Photo jo. We'll see. We were just very happy and we thought we are very smart that we did it all by ourselves. This is not how people open it. This is how they open it. It is a shoe rack. It is not a shoe rack. It is a shoe rack. We are using it as a kapda. Nahi, poster par jo, it is written shoe rack. But we are going to... But this is a shoe rack. See, there are extra plates. And we can put it in middle to keep our shoes. This is shoe rack which we are going to use as kapdana rack. It's just kind of halka. And this is how it was shown in the steps of how to but do it. But this is the wrong assemble. No. Sayani? Yes, so we did it correct? Yes. You know what? We were on the seventh cloud thinking that we have done a great job. This is very halka. Wow, it has this. Yeah. Alright guys, so we are playing stone paper scissor because we are extremely bored. And abhi main kyun stone paper scissor. Stone paper scissor. जल्दी करो तो धीरे धीरे करो जो चापली स्टोन जल्दी कर स्टोन जल्दी कर अरे अजी के नो स्टोन पेपर सीजर बस आई एम डन तो गाइस सी सयानी आ गई है किचन में एंड वी बोथ दाल खिचड़ी वी आर मेकिंग दाल खिचड़ी बिकॉज़ हमको सिर्फ वही आता है दाल खिचड़ी बनाना टुडे इज 25th ऑगस्ट एंड अभी बजे है 3 दोपहर के एंड मुझे ना थोड़ा ऐसे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था तो मैं अभी कॉफ़ी पीने वाली हूँ हमने शू रैक को कपड़े का रैक तो बना दिया बट उसमें मैंने अब तक कपड़े रखे नहीं है सो इट्स हाई टाइम टू शिफ्ट ऑल द क्लोथ्स फ्रॉम द फ्लोर टू द कबर्ड सो लेट्स डू दैट ऑल्सो एंड या सबसे पहले कॉफ़ी बनाते हैं बिकॉज कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है Because it's a mess already. बहुत ज़्यादा mess हो गया है Let me show you क्या mess है जब से ये आया है तब से ऐसा लग रहा है इसके ऊपर सामान रखने के लिए हमने ये मंगवाया है Which is not the case. इसके अंदर सामान रखना है And yeah, now let's have coffee and arrange this because it's a task. Also, I just wanted to show you my nails. ये मैंने कल लगाई nail paint. How is the shade? I mean, it's very subtle. वेरी न्यूड शेड जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए आई जस्ट गॉट अ शेड विच इज़ वेरी वेरी तो मैंने अपने कपड़ों को फाइनली अरेंज कर लिया है तो आई वॉज जस्ट क्लीनिंग माई होम एंड आई गॉट दिस बुक विच सेज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ ओके दिस इज़ अ फैमिली ब्लॉग तो बाय मार्क मैनसन मैंने ना एक पेज रीड किया एंड आई फाउंड इट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग दिस टाइटल इज सो रेलिवेंट फॉर पीपल ऑफ दिस एज माई एज स्पेशली एंड हम लोग ना इतना सारा हम सोचते हम कुछ भी करते हैं ना हम ये सोचते हैं वॉट विल द अदर पर्सन थिंक वॉट विल ही थिंक दैट आई एम डूइंग दिस आई एम डूइंग दैट पीपल डू नॉट इवन थिंक अबाउट अस बट वी हैव सो मैनी थाट्स ऑफ वॉट दे विल थिंक अबाउट अस वी आर फ्रॉम दिस जनरेशन जो दूसरे क्या सोचेंगे उसमें ही अटक गई है एंड लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट नो बडी हैज़ द टाइम टू थिंक अबाउट यू सो ये हमें खुद को समझाना पड़ता है एंड मैंने एक पेज रीड किया एंड इट जस्ट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट रियली नीड एनीवन्स वैलिडेशन ओपिनियन और
It's just how you feel about your life and how and what you want to do. I found this interesting, so I'm just gonna enjoy reading this.